जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने ही तो कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। यकीन जानिए माता रानी संग महादेव की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर अवश्य बनेगी। आप सब परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे, साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं यथाशीघ्र अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगी। देवों के देव महादेव बड़े ही दयालु और कृपालु हैं। अगर आप उनके शरण चरण में रहते हैं तो यकीन जानिए आपके सभी मनोरथ सिद्ध भी होंगे और सभी संकट धीरे धीरे अवश्य ही दूर हो जाएंगे। उन पर आप अपनी आस्था बनाए रखें। आज की वीडियो में आपको कन्या राशि में बुध के गोचर से जो है जिन पांच राशि के जातकों के नवरात्रि में लगाई शादी के योग बन रहे हैं उसकी जानकारी दूंगा। और कन्या राशि में जो बुध का गोचर महज केवल 17 दिनों तक रहने वाला है, तो इस दौरान कैसे इन पांच राशि के जातकों के लिए शुभ योग बन रहा है, इसके अलावा बुध के बारे में विस्तार से बताऊंगा। बुध को कैसे मजबूत कर सकते हैं वह भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा उन पांच राशि के जातकों के नाम, दिशा, दूरी, यह सभी की जानकारी आपको विस्तार से दी जाएगी। हालांकि यह जानकारी आपको जो है वो कुंडली के आधार पर दी जाएगी, इसमें मामूली बदलाव हो सकता है व्यक्तिगत कुंडली के आधार पर। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपनी शादी की कुंडली विवाह संबंधी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप केपी की वाणी से संपर्क कर सके हैं। हम लोग आपको मामूली शुल्क पर विवाह संबंधी पूरी जानकारी देते हैं कि आपकी शादी कब होगी, कहां होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव और उनका करियर कैसा होता है, आपका करियर कैसा होगा, अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं, माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ससुराल में घर द्वार कैसा रहेगा, सास ससुर का स्वभाव कैसा रहेगा, पति कितना पढ़ा लिखा होगा, पत्नी कितनी पढ़ी लिखी होगी, इसके अलावा उस कारोबारी होगा, रोजगार करने वाला होगा, या अपने निजी क्षेत्र में किसी बड़े पद पर आसीन होगा, या फिर वह उसकी ग्रह दशा के अनुसार से क्या उसको आने वाले समय में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। ये तमाम तरह की जानकारी जो है अब आप केपी की वाणी से कुंडली बनवा कर प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अपने बच्चे की जन्म कुंडली बनवा सकते हैं, दोष निवारण करवा सकते हैं, तो तमाम तरह की जानकारी जो है आप केपी की वाणी से करा सकते हैं। तो आज के वीडियो में जैसा मैंने आपको बताया है कि इन पांच राशियों के बारे में बताऊंगा, तो आप केपी की वाणी से संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर 8521835670 है, 8521835670, तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। वहीं अगर आपकी शादी तय हो रही है, तय होने वाली है, तो अपनी कुंडली मिलान अवश्य करा लें। कुंडली मिलान से आपको विवाह उपरांत वैवाहिक जीवन के संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। अगर किसी प्रकार से कोई परेशानी आ रही है आपके दाम्पत्य जीवन में तो भी आप अपनी कुंडली विश्लेषण अवश्य करा लें। अगर आप कुंडली विश्लेषण करा लेते हैं तो फिर आपको वैवाहिक जीवन में आ रही परेशानी का भी पता चल जाता है, और अगर आप उन दोषों का निवारण करा लेते हैं तो यकीन मानिए कि समय के साथ ही आपको सभी प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। तो इसके लिए आप 8521835670 केपी की वाणी के संपर्क नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए आज की वीडियो पर अब नजर डालते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया है कि बुध का गोचर जो है वो 17 दिनों के लिए होने वाला है, और कब गोचर होगा, बुध का क्या कार्य होता है, पहले यह सब जान लेते हैं। उसके अलावा फिर आपको नवरात्रि के बारे में बता देता हूँ, फिर बुध को कैसे मजबूत करते हैं वो बता दूंगा, और फिर आपको उन राशियों के बारे में बताऊंगा, उनके नाम के बारे में। तो बुध का जो राशि परिवर्तन कुछ इस प्रकार होने वाला है, 1 अक्टूबर को 8:39 संध्या काल में जो है ये गोचर करेगा कन्या राशि में, और 17 दिन 4 घंटे के लिए कन्या राशि में रहेंगे, और उसके पश्चात ये फिर तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो मिथुन वर्ग कन्या के जो राशि स्वामी होते हैं वो बुद्ध ही होते हैं। बुद्ध को ग्रहों का राजकुमार भी कहा जाता है। जिन पर बुद्ध की कृपा होती है वो जातक बहुत बुद्धिमान होता है, उनकी तार्किक क्षमता बहुत मजबूत होती है, संचार कौशल में वह बेहतर होता है। बुध कन्या राशि में उच्च के होते हैं तो मीन राशि में निम्न के होते हैं। सूर्य शुक्र तथा राहु के साथ ये मित्रता संबंध रखते हैं, तो चंद्रमा को ये अपना शत्रु मानते हैं। चंद्रमा को शत्रु मानने के पीछे एक कथा भी है, तो इसके संक्षेप में मैं बता दूं कि बृहस्पति की जो धर्म पत्नी है तारा और चंद्रदेव जो है उनके साथ जो है प्रेम संबंध के चलते जो है बुध को या नागवार गुजरा है, इसके चलते ही बुध जो है वो चंद्रमा को अपना शत्रु मानते हैं। शनि मंगल बृहस्पति और केतु के साथ इनका तटस्थ संबंध है, यानी कि ना इनसे दोस्ती है और ना ही बैर है। ये पौराणिक ग्रंथों के अनुसार जैसा मैंने आपको बताया बुध चंद्रमा बृहस्पति की पत्नी तारा की संतान होती है या संतान माने जाते हैं। ये बुद्धि विवेक वाणी शिक्षा शिक्षण गणित तर्क यांत्रिकी ज्योतिष लेखाकार आयुर्वेद लेखन प्रकाशन रंगमंच निजी आदि व्यवसाय के कारक माने जाते हैं। मातृ पक्ष के सगे संबंधियों का प्रतिनिधित्व बुध करते हैं, तो इसके बारे में आपको विस्तार से बताता हूं। जब बुध कुंडली कमजोर होता है, अस्त होता है, या वक्री चाल चलता है, या फिर बुध दोष लगता है, तो जातक का जो स्वभाव है
उसमें परिवर्तन होता है जातक के स्वभाव में, और जब जातक के स्वभाव में परिवर्तन होता है तो जातक के जो है रिश्ते बिगड़ने लगते हैं। जातक के कई ऐसे रिश्ते जो हैं, खासकर मामी मौसी बुआ महिला पक्ष के साथ जो है रिश्ते खराब हो जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में उनका जो है दोष निवारण अनिवार्य होता है। अगर दोष निवारण करा लेते हैं बुध का, तो बुध ग्रह शांति मंत्र का जाप कराने से ये दोष दूर हो जाता है। लेकिन अगर किसी कारणवश जो है ये नहीं करा पाते हैं, तो आपको उन महिला पक्षों के साथ संबंध मधुर रखने होते हैं। अगर संबंध मधुर नहीं रखते हैं तो फिर आपके सभी शुभ कार्य में बाधा आ सकती है, क्योंकि अगर बुध कमजोर रहता है या बुध दोष लगता है तो इस प्रकार की परेशानी आती है। तो मातृ पक्ष के सगे संबंधियों के जो भी प्रतिनिधि है उनका आप सम्मान करें, मान सम्मान करें, उनके फोन का आपने जवाब देना है। ऊपर मन से ही दें, लेकिन अवश्य ही उनके संपर्क में रहें। अगर आप चाहते हैं कि रिश्ते को नया आयाम नहीं देना है, तो फिर आप भगवान श्री गणेश के शरण चरण में रहिए और माँ दुर्गा की जो पूजा उपासना कीजिए। हर बुधवार के दिन जो है श्रृंगार की वस्तुएं जो है माँ दुर्गा को अर्पित करें। इसके अलावा भगवान गणेश जी की भी पूजा उपासना अवश्य ही करें। कमरे में जो है राधा कृष्ण की तस्वीर लगाएं, पूर्व दिशा में सिर रखकर सोएं, पीले रंग के वस्त्र धारण करें। तो अगर आप इन चीजों को करते हैं तो फिर बुध अवश्य ही मजबूत होगा। बुध मस्तिष्क जीवा स्नायु तंत्र कंठ ग्रंथि त्वचा गर्दन आदि के प्रतिनिधि होते हैं। बुध के नकारात्मक प्रभाव से स्मरण शक्ति का क्षय होता है, सिर दर्द त्वचा आदि के रोग उत्पन्न होते हैं। ये उत्तर दिशा में 27 नक्षत्रों में जो है अश्लेषा ज्येष्ठा और रेवती इन तीनों नक्षत्रों के स्वामी माने जाते हैं। बुध का राशि परिवर्तन करना जातक की कुंडली में भाव अनुसार से फल देता है। आइए अब मैं आपको उन राशियों के बारे में बता देता हूँ जिनके योग हैं। तो प्रथम राशि मेष राशि है। मेष राशि में गुरु का गोचर हो रखा है। गुरु के गोचर होने के चलते मेष राशि के जातकों के लिए शुभ योग बन रहा है। अगर आप मेष राशि के जातक हैं तो फिर आपके लिए शुभ योग है, क्योंकि अक्टूबर के महीने में पितृपक्ष के पश्चात तो है 2 दिनों में आपके सगाई शादी होने के प्रबल योग बन रहे हैं। कुल मिलाकर गए पितृपक्ष के बाद जो है केवल 4 दिनों का ही मेला रहेगा और 4 दिनों में ही आपके सारे काम बन जाएंगे। तो अगर आप मेष राशि के जातक हैं, हालांकि वर्तमान समय मेष राशि के जातक गुरु चंडाल दोष से पीड़ित हैं, और जब राहु जो है मेष राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेंगे तब मेष राशि के जातकों को गुरु चंडाल दोष से मुक्ति मिलेगी। तब तक आपको इंतजार करना पड़ेगा, हालांकि शुभ कार्य में बाधा आ सकती है। आपने क्या करना है, भगवान श्री विष्णु जी की शरण चरण में रहिए, उनकी पूजा उपासना कीजिए। चंदन का लेप प्रतिदिन आप मस्तिष्क पर लगाएं। हर शुक्रवार के दिन जो है शिव जी को सफेद फूल अर्पित करें, साथ ही आप हनुमान जी की पूजा उपासना करें, तो इससे विवाह के योग बनने लगते हैं। बात करें किस नाम से आपकी शादी हो सकती है, तो PRM नाम में से किसी एक नाम के जातक के साथ आपके परिणय सूत्र में बंधने के प्रबल योग है। हालांकि कुंभ कर्क धनु और मीन राशि के जातक में से किसी एक राशि के जातक के साथ अगर आप विवाह करते हैं तो आपका वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। दूसरी जो राशि है वो मिथुन राशि है। अगर आप मिथुन राशि के जातक हैं तो आपकी शादी के योग जो है 24वें वर्ष से बनेंगे और 29 वर्ष के मध्य तक विवाह के योग है। तो अगर आप मिथुन राशि के जातक हैं तो आपके लिए भी शुभ योग है, क्योंकि ग्रहों के जो राजकुमार है मिथुन में वो गामी होते हैं इनके, इसके लिए जो है इन पर शुभ फल हमेशा पड़ता है बुध देव का, और बुध देव के जो शुभ फल के चलते मिथुन राशि के जातक को जो है सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। इनका रंग रूप भी बेहद खूबसूरत आकर्षक होता है। तो मिथुन राशि के जातक जो है उनके लिए शुभ योग है और नवरात्रि के दिनों में इनके लिए शीघ्र विवाह के योग बन रहे हैं। शीघ्र विवाह के लिए हर गुरुवार को जो भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें, इसके अलावा भगवान गणेश जी की पूजा उपासना करें। बात करें नाम अक्षर की, तो STB इनमें से किसी एक नाम के जातक के साथ आपके परिणय सूत्र में बनने के योग है। इसके अलावा जी नाम भी शामिल है अगर आप मिथुन राशि के जातक। अगला जो नाम अक्षर है या राशि जो है कन्या है। कन्या राशि के जातकों के लिए भी शुभ योग बन रहा है। अगर आप कन्या राशि के जातक हैं तो आपके लिए शुभ योग है। बुध के राशि परिवर्तन से आपके लिए भी शुभ योग बन रहा है। ऐसे जातक जिनके 27 वर्ष से 32 वर्ष के मध्य कन्या राशि के जातक है उनके विवाह के योग बन रहे हैं। शीघ्र विवाह के लिए हर गुरुवार को केले की जड़ में हल्दी मिला हुआ जल डालें। इसके अलावा भगवान गणेश जी की पूजा उपासना करें, भगवान गणेश जी को हल्दी अर्पित करें और माल पुए उन्हें भोग में लगाएं, तो इससे जो है शीघ्र विवाह के योग बनने लगते हैं। बात करें नाम अक्षर की, तो ए नाम के जातक, एस नाम के जातक, डी नाम के जातक में से ही किसी एक नाम के जातक के साथ आपके परिणय सूत्र में बंधने के योग है। ज्योतिषों की माने तो कन्या राशि और मकर राशि के जातकों का वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है, तो आप इसका अवश्य ध्यान रखें, हालांकि विवाह पूर्व कुंडली मिलाना अवश्य। अगली जो राशि है वो है सी राशि है। जैसा कि मैंने आपको बताया है शुक्र का राशि परिवर्तन सी राशि में होगा, तो सी राशि के जातकों के लिए शुभ योग बनेगा। इसके अलावा बुध के राशि परिवर्तन से भी सी राशि के जातकों के लिए शुभ योग बन रहा है। सी राशि के जातकों के लिए जो है जो विवाह के योग है वो 26वें वर्ष से बनते हैं। इस नाम के लड़के और लड़की की शादी MKS नाम के जातक से होने की संभावना प्रबल रहती है। हालांकि अगर मिथुन राशि से विवाह हो तो ज्यादा उत्तम होता है। अगर आप सी राशि के जातक हैं लड़के हैं तो आपकी शादी जो है सुधा शिखा कल्पना किरण मोनी मोहन
मोहिनी आदि नाम से हो सकती है। वहीं अगर आप सिंह राशि की लड़कियां हैं तो संजीव, कार्तिक, शेखर, महेंद्र, महेश आदि नाम से होने के प्रबल योग बन रहे हैं। अंतिम जो राशि है वो मीन राशि है, तो मीन राशि के जातक के लिए भी शुभ योग बन रहा है। और मीन राशि के जातकों का नाम अक्षर डी से होता है। इनके राशि स्वामी गुरु है आराध्य देव, जो भगवान विष्णु नारायण है। भाग्यशाली रंग इनका पीला है। भाग्यशाली अंक 9 और 12 है। राशि धातु कांस्य है। राशि शुभ्रत्न पुखराज है। राशि स्वभाव द्वि स्वभाव है। राशि अनुकूल वार गुरुवार, सोमवार तथा मंगलवार है। अनुकूल रत्न जो है इनका पुखराज, मोती तथा मुंगा अनुकूल दिशा इनके लिए उत्तर है। राशि तत्व जल है। राशि प्रकृति कफ। तो अगर आप मीन राशि के जातक हैं तो इन महीनों में विवाह के प्रबल योग हैं। नवंबर दिसंबर में शीघ्र विवाह के लिए तुलसी के पौधे के नीचे घी के दीपक जलाएं। शादी उत्तर पूर्व दिशा में होने की संभावना प्रबल है। बात करें नाम अक्षर की, द्वेष नाम के जातक, जी नाम के जातक, बी नाम के जातक, इनमें से किसी एक जातक के साथ आप पढ़ने सूत्र में बन सकते हैं। तो आपने करना क्या है, बुध के लिए मैंने उपाय बता दिए हैं, उन राशियों के बारे में बता दिया, उन नामों के बारे में बता दिया जिनके सगाई शादी के योग बन रहे हैं। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। आप डैशबोर्ड पर जाएं, अपनी राशि अनुसार वीडियो देखें। वीडियो में अगर कोई कमी मिलती है तो आप कमेंट करें। आपके कमेंट को जो है अगले वीडियो में अवश्य ही शेयर किया जाएगा और आपका नाम भी लिया जाएगा, अगर आप इस तरह की सेवा आपकी पीकी वाणी के लिए करते हैं। माता रानी कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सब परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं कि जल्द एक नए वीडियो में एक नई जानकारी लेकर आपके समक्ष हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इस नाचीज दोस्त को इजाजत दें। नमस्कार। जय श्री दोस्तों। जय श्री कृष्णा। जय माता दी। जय वाहेगुरु।